ये जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का जुगवनी, ये आखिरी स्टेशन है। इसके बाद से नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है, इसके बाद से व्हाइट पिलर आप देखेंगे उधर तो नेपाल का बॉर्डर वहां से शुरू होता है। तो ये भारत और नेपाल का ये जो कि ये जो सीमा है बिहार में, आज हम आपको यहीं ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है जोगबनी में, खास करके क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं, चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, जो बॉर्डर एरियाज में सीमा के इलाकों में लोग रहते हैं, क्या समस्याएं हैं, शिक्षा की क्या समस्या है, विकास की क्या समस्या है, और यहाँ से मूवमेंट की क्या दिक्कत होती है बॉर्डर एरियाज में। कुछ युवा हैं यहाँ जो रहने वाले हैं जोगबनी के, उनसे बातचीत करके हम बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। जो चुनाव होने वाला है उसको लेके आप लोगों में क्या है, कैसी जागरूकता है? सर, जागरूकता यही है कि चुनाव के टाइम आता है और जो भी एमपी एमएलए, हम लोग तो जानते भी नहीं है एमपी एमएलए को, सिर्फ चुनाव के वक्त आता है, वोट लेता है, उसके बाद घर में सो गया। वो तो है, लेकिन यहाँ की समस्याएं क्या है? नेता तो कुछ नहीं देता है, ठीक है? समस्या तो सर हर एक चीज का है, आप बताइए। रोजगार का समस्या है, क्या समस्या है जोगबनी में? तो ढेरी सर समस्या है, स्थानीय समस्या है सर, नाला उला घर और सबसे बड़ा है स्कूल, बच्चा सबका शिक्षा। बॉर्डर है नेपाल के साथ में, क्या समस्या है? सर हम तो एग्जाम में आए हैं, इसके बारे में, यहाँ के बारे में तो सर कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? कुष्मा। तो यहाँ का नेपाल और इसका बॉर्डर है ना, ये सब जी, ये तो बॉर्डर है सर। तो क्या समस्या है, क्या है यहाँ विकास की, क्या समस्या है? अब इधर जो इधर में रहता है वही न जानेगा सर। कोई विकास का सर लहर नहीं है सर, रास्ता उसका कुछ नहीं है, कोई चीज का। हमको बताइए, खास तौर पे बताइए क्या क्या समस्या है। नाली बिजली ये तो बनता रहता है, इतने सालों से बन रहा है, 70 साल से कुछ नहीं। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ के वासी हैं तो हम लोग को यहाँ का कोई विकास ही नहीं हो रहा। नेपाल का आदमी आके यहाँ पर रोजगार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ का रहने हुए फिर भी हम लोग को कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं कि कोई इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे, कोई बढ़िया सा काम करते हैं आप? आपका नाम क्या हुआ? मैं ड्राइवर सुरेंद्र कुमार मंडल। अच्छा, नेपाल भी जाते हैं यहाँ से गाड़ी लेके? नेपाल भी जाते हैं। आप भी जाते हैं, आप क्या करते हैं? हम भी ड्राइवर हैं। धर्म कितना बड़ा मुद्दा है, और यहाँ राम जो है, भगवान राम जो है, उनका कितना यहाँ बहुत लोगों के अंदर में है, बहुत। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? जी ऋतिक जायसवाल। ऋतिक जी, अभी जो चुनाव वोट तो आप डालोगे ना? जी, इस बार बना हुआ है। जी, इस बार बना हुआ। तो क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेके आप लोग दोगे मतदान, किन मुद्दों को लेके करोगे? जैसा जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस माहौल में बहुत ही तरीके के नेता आएंगे जो बहुत तरह के चेहरे दिखाएंगे अपना अपना। तो हमारा यहाँ सबसे मेन मुद्दा जो है, हमारा यहाँ का सांसद वो प्रतिनिधि हमारे लिए सही नहीं है। महिलाओं से हम बात कर लेते हैं, तो वोट कार्ड बना हुआ है वोट वाला? नहीं बना हुआ है, क्यों नहीं बना है? नहीं बना कार्ड, लोगों को नहीं बना है। तो बहुत सारे युवा हैं यहाँ, तो विकास की बात तो हर जगह होती है, विकास की बात। पंडित जी आप कहाँ से हैं? जी हम तो हैं बनारस से। बनारस से, और यहाँ यहाँ पर आए हुए हैं, एक हमारे भाई हैं, किमी आनंद जी। वो यहाँ शनि और हनुमान जी का जो है प्रतिष्ठा 2-3 साल पहले करवाए थे, जिसका वार्षिकोत्सव इस बार जन्म रामनवमी के उस पर ही पड़ गया। बॉर्डर का एरिया खास करके यहाँ देखिए, आप लोग हैं बनारस से, लेकिन स्थिति यही रहती है कि यहाँ बांग्लादेश के लोग आते रहते हैं, तमाम लोग आते रहते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना भी एक बड़ा उद्देश्य। जी जी, ये यहाँ पर जो है ये इसका बहुत बड़ा बात आप बोल रहे, ये है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ के स्थानीय लोगों का यहाँ इसमें कितना योगदान है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का कितना इसके प्रति योगदान है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग तो मान लीजिए यहाँ अतिथि बन कर आए हैं, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम करते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के, लेकिन राम नाम का जो एक उत्थान है, एक जो जागरण है, कि मतलब ये तो आप बार बार दोहराते रहते हैं। जी जी बिल्कुल, लोग भी इसमें प्रेरित होते हैं। जी, ये धर्म से जुड़ी हुई बात आप बोल रहे हैं, धर्म के जो विरोधी लोग हैं इस तरह का काम करते हैं, घृणित काम करते हैं। अब ये हमारे यहाँ एक नए युवा हैं, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे काफी लोग लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, काफी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपना धर्म न छोड़े। हाँ, धर्म और आस्था जो है, हाँ, धर्म आस्था को माने, और आज पूरे विश्व में, अपने सिर्फ भारत में नहीं विश्व में इसका जो है कार्य बहुत ऊंचे स्तर से चल रहा है। आप कहाँ से हैं पंडित जी? महाराज जी के साथ में। महाराज जी के साथ बनारस आए हैं जी। तो यहाँ कितनी बार आना हुआ? अभी तो तीसरी बार है। तीसरी बार, कैसा लग रहा है यहाँ बॉर्डर एरियाज में?
बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो हिंदू समाज के लोग हैं आयोजन कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव में काफी सारे मंदिर भी बन रहे हैं, तो क्या रहता है लोगों में, किस तरह की भावनाएं रहती है? भावनाएं तो अच्छी हैं और लोकल देख रहे हैं कि लोग धर्म के प्रति अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश मंडल है। मिथिलेश मंडल कहाँ से हो मतलब जी? वैनाथपुर से, पिपरा पंचायत फारसद प्रखंड से है। तो यहाँ यहाँ आना होता बराबर नहीं, जगह पे जग जग हो रहा था यज्ञ प्रयोजन से आए, तो हम सोचे कि हम भी थोड़ा जाएं अपना देखे कैसे क्या हिस्सेदारी आप भी अपना देना चाहते हैं? जी 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 जी। बाकी बहुत अच्छा है, आप अपना अपना सनातनी लेके चल रहे हैं, अपना सब लेके चल रहे हैं, निभा रहे हैं अपना जिसे तसे। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान के भी लोग हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो ये जो पटरी है उसके उधर पार तो फिर नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। सीमा तो कोई है नहीं, दोनों देश के बीच में कोई सीमा नहीं है, बॉर्डर खुला हुआ है, दोनों साइड में लोग एक तरह के लोग हैं, आना जाना दिन भर रहता है, रिश्तेदारियां भी होती है। आप कहाँ से आए मैम? मैं जोगबनी से आए हैं। जोगबनी से। ये जो एरिया है खास करके जोगबनी का जो बॉर्डर एरिया है, और खास तौर पर ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग बाहर के भी आ रहे हैं, लव जिहाद की भी घटना यहाँ सुनने को मिल रही है, क्या सही बात? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है इधर? ये लव जिहाद का बात सही बात सुनने में आया है, ऐसे ऐसे बच्चे लोग लड़की लोग को बहुत हुआ है। हाँ ऐसा घटना हुआ बात है, बात करेंगे? हाँ बात तो यही बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है आजकल के बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग को बहका बहका के इस तरह से वो लोग को राह भटका दे रहा है, मति भ्रष्ट कर रहा है, तो वो लोग को मति भ्रष्ट करके घर परिवार से लोग को बिछड़ कर गलत रास्ता में ले जा रहा है। ये कौन है आपकी? हमारी बेटी। बेटी कहाँ पढ़ते हो आप? जी हम फॉरविजन कॉलेज। कौन सी क्लास में हो? सेकंड सेमेस्टर। कॉमर्स के टॉपर हो तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या बनना चाहते हो? अभी बैंकिंग की तरफ। बैंकिंग की तरफ तैयारी है। तो ये चुनाव का जो मुद्दा है यहाँ, क्या मुद्दा? आप लोग तो युवा हूँ, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है चुनाव? क्या सोच के आप लोग वोट डालोगे, अपना मतदान जो करोगे? डेवलपमेंट होना चाहिए हम लोग के। और यहाँ के क्या इश्यूज है, है ना? आप लोग आगे जाओगे कॉम्पिटिशन में भी जाओगे तो ये पूछा जाएगा ना कि आपके स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आपके साथ में लव जिहाद की भी घटना हुई बता रहे थे लोग, जी क्या था थोड़ा बताएंगे? क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब आप लोग साथ में पढ़ते थे? आप भी आ जाइए ना, थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा इनको। जी नहीं, साथ में तो नहीं पढ़ते थे, अब जैसा होता है अब लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं जी। उस रास्ते में अब उस टाइप का होता है कुछ। तो आप लोग पूरे देश के सामने अपनी बात रखिए, कोई डरने की शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर इस तरह की घटना हुई है मेरे तरफ से भी कोई दबाव नहीं है कि कुछ बड़ा चढ़ा के बोले, जो हुआ है वही बताइए। ये आजकल बहुत के साथ हो रहा है, सबके साथ, जिसके साथ मतलब फुल मैटर हो जाता है उसका सामने आता है, नहीं तो नहीं आता है। ऐसा होता है मतलब कुछ जबरदस्ती प्रेशर हिप्नोटाइज या करके या वो कुछ खिला के या तो आपके साथ क्या हिप्नोटाइज किया था, क्या किया था आपको, या बहलाया फुसलाया था या दबाव डाला था? बातों बातों में बहलाना फुसलाना फिर दबाव डालना। तो फिर कैसे बाहर निकले, मम्मी और पापा सब मिलकर क्या किए, मतलब सपोर्ट किए तुम्हें? सपोर्ट घर के लोग ने भी किया और समाज ने भी किया। कैसे सपोर्ट किए मैम? हम तो उसको जानने के बाद हमको धमकी आया, मेरा समाज के आदमी लोग सपोर्ट किए, बजरंग दल के लड़के लोग, हमारे लड़के भाई सब मिलके सपोर्ट करने के बाद हम आज उसका मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। लीगल एक्शन लिया कुछ? हाँ, कानूनी कार्रवाई सब हो गया सर। मतलब आपको दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है हमको? आपका बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फुल फ्री है। तो कुल मिला के ये तो एक उदाहरण है छोटा सा, एक छोटा सा आपने देखा कि किस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं बॉर्डर एरियाज में, ये आम तौर पे होती हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है, लोग बातों को छुपा कर रखते हैं और अपने स्तर पे उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये भी कुछ और ग्रामीण आए हैं जोगबनी के, आप क्या करते हैं भाई साहब? पढ़ाई लिखाई कारोबार क्या चल रहा है? बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? चूड़ी का दुकान है। चूड़ी का दुकान। यहाँ यहाँ कैसा चलता है व्यापार? देखते हैं कि नेपाल से बहुत सारे जो भाई लोग आते हैं वहाँ से खरीदारी करके जाते हैं, एक अच्छा खासा व्यापारिक केंद्र भी है ये। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा केंद्र है व्यापार का। और जितने भी असहाय जिसको बोल सकते हैं उनका भी घर चलता है यहाँ से। क्या चुनावी मुद्दे क्या है, वोट क्या सोच के डालेंगे? यहाँ जाति मुद्दा है कि धर्म मुद्दा है कि जो बॉर्डर राष्ट्र सर्वोपरि? राष्ट्र सर्वोपरि है जी। तो आपके लिए जाति मुद्दा नहीं है? जी कोई जाति मुद्दा नहीं है। कि मतलब आपकी जाति पे लोग खड़े होंगे, आप जाति पे वोट डालेंगे या देश को सामने रख के विकास को सामने रख के भारत को विश्व गुरु बनाना है, यही एक लक्ष्य है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? देवनंदन।
तो आपको ले चलेंगे जोगबनी के बाकी हिस्सों में भी आपको ले जाएंगे। क्या आप लोगों की क्या समस्या रहती है बताइए सर? ये बॉर्डर पे तो बहुत तरह का समस्या रहता है, जैसे लव जिहाद का। हाँ ठीक है। और आपके साथ तो नहीं हुआ ना? नहीं, ये हमारे समाज में हुआ है। अच्छा ठीक है। तो कैसे उसको डील कैसे करते हैं? जो लव जिहाद का मुद्दा आता है तो उसमें समाज के लोग खड़े रहते हैं? समाज के लोग खड़े रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग रहते हैं, बजरंग दल के लोग रहते हैं, और साथ ही प्रशासन के लोग जो है सहयोग से उसको हम लोग खत्म करते हैं। आप यहाँ सामाजिक कार्यों में लगे हैं, और खास करके ये भी मुझे बताया गया कि आपने ये जो बॉर्डर का एरिया जहाँ मंदिर का निर्माण आप काफी करवा रहे हैं, संघ से भी आप प्रेरणा लेते रहते हैं, आपकी आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा अनुभव यही रहा है कि यह जो हमारा सीमांचल का इलाका है, बारूद के ढेर पर है। अभी आपने एक बच्ची का बयान लिया होगा, इसके साथ इतनी दुर्गति हुई कि इसके पहले इसको झांसे में लिया गया, इसके मकान को पहले रेंट पर लिया गया। अच्छा। 4 साल तक उसका कोई रेंट किराया नहीं दिया गया। उसके बाद बच्ची को प्रेम जाल में फंसा कर वीडियो बनाया गया। अच्छा। उसके बाद क्या कहता, उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा और कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए। अंत में मैं गया, अपने गाड़ी में बैठा के FIR कराया, पॉक्सो एक्ट लगा। उसके बाद प्रशासन के सहयोग से उसके दुकान मकान को खाली कराया गया। उसके बावजूद धमकी मिलता था। हम लोग जाके 12-12 बजे रात तक इसके घर की जुगवाई करते थे। और सबसे विकट समस्या क्या आई, जब इसने सनसनीखेज खुलासा करना शुरू किया तो इनके साथ पढ़ने वाली लगभग दर्जनों बच्चियां लव जिहाद के चक्कर में फंसी हुई थी। सबका डिटेल हम लोग लिए, सबके अभिभावक से जाके 1-to-1 संपर्क किए, तब जो है केस को थोड़ा कम किया जा सका। उतना ही नहीं भाई साहब, हमारे मोहल्ला में ही मंडल अध्यक्ष है भाजपा महिला मोर्चा की, पूर्व अध्यक्ष थी, उसकी बच्ची को लव जिहाद में फंसा कर पुंछ सेक्टर ले जाया गया। अच्छा। वहां से मैं जाके प्रशासन के सहयोग से जो है रिकवर करके जोगबनी लाया, पिछले मंथ उसकी शादी हुई। ऐसे दर्जनों उदाहरण है। आजकल नया क्या हो गया है कि जमीन जिहाद, अगर आप लैंडलॉर्ड हो, पटना रह रहे हो और आपका जमीन यहाँ पड़ा हुआ है, तो दरभंगा से एक फर्जी कागजात दस्तावेज बनाया जाता है और उसको लेकर लिटिगेशन लगाकर जमीन को अपना बताया जाता है। आपको उलझा दिया उसमें? हाँ, उसमें उलझा दिया, और आप अंत में मेंटल हरास होके उसी आदमी को बेचने को मजबूर हो जाते हैं, समझौता करने को मजबूर होते हैं, मजबूर होते हैं, या तो फिर छोड़ के जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हम लोग राष्ट्र निर्माण के नाम पर वोट देते हैं, मगर कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे हिंदुत्व के साथ, हमारे लोगों के साथ खड़ा होने का कभी इच्छा ही व्यक्त नहीं करता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का ये। आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग काफी पिछड़े इलाके से बिलोंग करते हैं, सीमांचल का इलाका है, और उनकी कृपा दृष्टि बने रहे हम लोगों पर, यह सबसे बड़ी मांग है। चूंकि हम लोग एकदम बहुत मुश्किल से, जैसे 32 दांत के अंदर जीव होता है ना, वो 32 दांत के अंदर के जीव के तौर पर हम लोग रहते हैं। और यहाँ चूंकि आप सक्रिय हैं सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे भी काफी आयोजन करते हैं, यहाँ बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उनकी कितनी समस्या है बॉर्डर एरियाज में? हमने नेपाल की साइड में देखा कि काफी सारे लोग वहाँ। भाई साहब, अभी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, आप देखे होंगे, जिनको आपने कहा था। ये ब्राउन शुगर और स्मैक पी रहे थे यहाँ बैठ के। अच्छा। ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, आप देख सकते हैं, खुला सीमा है, किसी को ना आने पर रोक है ना किसी को जाने पर। नेपाल पुलिस बहुत टॉर्चर करती है, हम बता देते हैं, हिंदुस्तानियों के साथ पाकिस्तानी ऐसा व्यवहार जो है नेपाल में किया जाता है, जबकि नेपाल से हमारा बेटी रोटी का संबंध है। आपको एक नई जानकारी दे दूं, आप 20,000 रुपया 500 का नोट लेके जाइए नेपाल, और अगर मैं इन्फॉर्म कर दिया तो आपको मेंटली हरास किया जाएगा कि ये भारतीय रुपया आप 20,000 रुपया पास में नहीं रख सकते हैं, ये स्थिति है। मगर इंडिया में उसकी इंडियन गाड़ी भी आती है, इंडियन बाइक भी आते हैं। तो लोग देखिए, अभी ये खुली सीमा है, यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम ओपन सीमा है ये भारत नेपाल का। ये लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा नेपाल जाता है। लोग आते हैं, जैसा कि इन्होंने बहुत ही सही कहा कि बेटी रोटी का संबंध है भारत और नेपाल के लोगों के बीच में, शादियां अमूमन होती है एक दूसरे के गांव में, लेकिन इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं वो बहुत ज्यादा है। जाते जाते एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ का जो चुनावी मुद्दा है स्थानीय, जोगबनी की तरफ से क्या चुनावी मुद्दा है, क्या एजेंडा है, कि कोई मिलने के लिए आएगा तो क्या रखेंगे बात? मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ कि यहाँ लोग कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं।
हम लोगों के कोई पसंदीदा कैंडिडेट प्रदीप सिंह जी नहीं है, मुद्दा रखने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग बस एक ही आदमी को देख रहे हैं जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जितने जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाते हैं नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जाते हैं, अमित शाह जी के नाम पर जाते हैं, और फूल छाप जो मोहर होता है ना वो लेके बस जाते हैं। उनसे उम्मीद है, प्रधानमंत्री जी ने भी बातचीत करी पूर्णिया की रैली में कि जो एक इमिग्रेशन का जो शरणार्थी आते हैं इलीगल तरीके से जो आते हैं बांग्लादेश, वो एक बड़ा मुद्दा है। अगली सरकार अगर इनकी बनती है तो क्या रहेगा, मतलब आप लोगों की उम्मीदें क्या रहेंगी? हम लोग तो काफी उम्मीद पाल के बैठे हुए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बोलता हूँ, स्पष्ट बोलने में हमको कहीं कोई गुरेज नहीं है, ना कोई डरने की बात है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि यहाँ अगर भाजपा जीतती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, आदरणीय अमित भाई शाह के कारण, कैंडिडेट चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मेरी बात नहीं, सारे लोग खड़े हैं। अगर किसी का बाइक पकड़ा गया, उतना बड़ा लव जिहाद का घटना हुआ, जोगबनी का लोग वोट देता है या नहीं देता है MPMLA को, मगर कोई हाल चाल पूछने तक नहीं आया, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। अभी जो मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष की जो बच्ची का अपहरण हुआ, जो पुंछ से आई, MPMLA पूछने तक नहीं आए, देखने तक नहीं आए। तो हम लोग बस मजबूर हैं, चूंकि राष्ट्र का जो निर्माण कर रहा है, जिसके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, बस उसका फोटो देख के चुपचाप मन मार के श्री राम का नाम लेके वोट देते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम किमी आनंद हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूं, और मैं अपने सीमांचल में धर्म का जागरण करके लोगों में अलख जगाने का कार्य कर रहा हूं। तो कुल मिला के जिस तरह से इन्होंने बताया कि बॉर्डर जो एरिया होता है उसकी अपनी समस्याएं हैं, और खास करके पिछले कुछ सालों में लव जिहाद की भी घटना बढ़ी है, जिस तरह से कुछ लोगों ने हमें बताया प्रत्यक्ष तौर पे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सीमा जो है थोड़ा सा काफी सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील है, और यहाँ बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, और सुरक्षा के लिहाज से भी। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये अररिया का जो फारबिसगंज जगह है उसका ये इलाका है, और यहाँ से ये जो गेहूं के पौधे आप देख रहे हैं लगभग पक गए हैं, ये नेपाल में है, और इधर भारत का इलाका है। तो यहीं एक गांव है छोटा सा भेड़ियारी, तो वहीं आपको लेकर आए हम यहाँ कि यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ किन मुद्दों को लेकर चर्चा है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है। देखिए नेपाल की गाड़ी जा रही है इधर से, नेपाल के लोग हैं, तो ये सीमा में आना जाना ये लोगों का लगा रहता तकरीबन। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश हम करेंगे कि यहाँ क्या इश्यूज हैं, चुनाव सर पे है लगभग, और क्या मुद्दे हैं। बाबा आपका नाम क्या बाबा? ब्रज किशोर सिंह, वेरी गुड। ब्रज किशोर जी उधर से काम करके आप आ रहे थे, रोड नहीं बन रहा है? ये रोड बनता तो हम लोगों का ही दशा होता, तो हम लोग अभी तो आप आ गए चार चक्का से, तो? लेकिन थोड़ा सा एक महीना रुक जाइए, उसके बाद इसमें मोटरसाइकिल ढुका के दिखा दीजिए। पानी हो जाता है, पूरा पानी होता है कि इतना कादो हो जाता है। ट्रैक्टर जब खेती का चलता है तो दोनों तरफ से इतना कादा हो जाता है कि पैदल आदमी को चलना मुश्किल होता है। रोड का बात तो छोड़िए दीजिए। और ये सब जो घर है, सब ये वाला बनाए हैं, पक्का घर नहीं बना रहे हैं? पक्का घर बनेगा कैसे? बॉर्डर के किनारे SSB पक्का घर बनने नहीं देता है। इधर जो है हम लोग झोपड़ी छाप हैं। पटल का आदमी आपसे सरकार को ये बहाली निकाले हैं SSP को, क्या फायदा? सरकार को मेरा पैसा सो लग रहा है, कौन चीज के लिए भेजे हैं? तो सीमांचल एरिया में आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं, कुछ अलग से नहीं मिलता फंड क्या? हम लोग नहीं चाहती है, क्या चाहिए? नहीं करते क्या चाहिए? आप लोग से SSP निकाले हैं किस लिए? रास्ता चाहिए हम लोगों को। कितना किलोमीटर है ये? यहाँ से करीब करीब 4 किलोमीटर से ज्यादा है। अच्छा, बस इतना ही रास्ता हम लोगों का बन जाए, सरकार से हम माफी मांगते हैं। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। और मजदूरी करते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं? वो वही 500 रुपया। कुछ जमा उमा किए हैं कि नहीं? पैसा क्या जमा करेंगे, पेट में क्या खाएंगे जमा करेंगे? तो 500 मोरू में क्या हो? 500 मोरू में जमा होगा, पेट में खाएंगे जमा करेंगे? बाल बच्चा कितना है? बाल बच्चा नहीं, एक ठो नाती है, एक ठो बुढ़ा बुढ़िया, बस हो गया। इस गांव की कुछ महिलाओं से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग साइलेंट वोटर्स होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, अगर ज्यादा पढ़े लिखे ना हो तो इनको वोट डालना है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई
देश में क्या समस्या, भागिए नहीं भागिए नहीं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या यहाँ चुनाव हो रहा है देश में, सुने चुनाव है देखा कि हमारा थालो में रहे थे, रास्ता नहीं चाहिए, रास्ता के अलावा आरो की छे प्रॉब्लम, आरो की दिक्कत, बहुत चीज की दिक्कत, स्कूल छह अस्पताल छह यहाँ, हाँ स्कूल छह, नजदीक में कहाँ अस्पताल, कितना दूर पर हमारा जो बनिए की फारबिसगंज, फारबिसगंज जाए पड़ा, फारबिसगंज जाए पड़ते, और बच्चा सब पढ़ाई कहाँ करे, कहाँ जाए, स्कूल कॉलेज सब तो ये इतना स्कूल जो खुलल छे सरकारी स्कूल वही में जाए पढ़े, कौन क्लास तक छे वहाँ, पाँच तलिक, और पाँच के बाद, पाँच के बाद तब जाए जोगबनी, जोगबनी हाँ, तो यहाँ अब हेला डूबत गया बच्चा सब पानी में डूब, बारिश में डूबा तब न अपनी बाढ़ में बाढ़ चली आवे छे, तो कुछ हमारा नहीं दे छे सरकार कोनो चीज के सुविधा, वोटवा तो डालिएगा फिर भी की नहीं, वोट देवे की क्या वोट देवे, की सोचे वोट देवे, घर बनते तब रास्ता ना, अच्छा महीना हो गए घर में आगे लग गए, अपने कुछ नहीं मिले हमारा, देखिए ये छोटा सा गांव है, ये बिल्कुल बॉर्डर की वजह से यहाँ जो पक्का मकान होना चाहिए वो नहीं बन पाता है, इजाजत नहीं दिया जाता, शायद सुरक्षा की वजह से होगा, या जो लीगैलिटी है जमीन में कहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इस चीज को लेकर प्रॉब्लम है, सरकार की योजनाएं तो पहुंच रही हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए लोकल एरियाज का, जो विकास होना चाहिए वो एक बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि जो भी सरकार बनती है, केंद्र सरकार तो बनेगी लेकिन जो राज्य सरकार है उनको, उनके अंदर ये सब सड़कें जो आती है राज्य सरकार के अंदर, लोगों को ये पता होना चाहिए कि सड़कें और जो स्थानीय विकास का काम है वो राज्य सरकार के हिस्से में होता है, राज्य सरकार की सूची में है, तो ये जो सड़क है, लोग यही बात कर रहे थे, दिखा दें ये जो सड़क है, ये सड़क बारिश के दिनों में भर जाती है और इसमें हाँ इसमें आना जाना बहुत दिक्कत होता है, लोग रास्ते में भी रोक के बता रहे थे कि सड़क बारिश में खराब हो जाएगी, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि स्थानीय समस्याओं का जो समाधान है वो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, जो भी यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए कि विकास की जो बातें हैं वो सिर्फ बातें न रह जाएं, कागजों में न रह जाए, जमीनी स्तर पर भी उसका कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन और अमल होना बहुत ही जरूरी है। जोगबनी से कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ ब्रजमोहन सिंह, न्यूज 18। हिमाचल का इलाका है, रास्ता हम लोगों का बन जाए, बारूद के ढेर पर युवा हम बेरोजगार हैं।